नमस्कार, आज अपन बात करेंगे फिल्म कांतारा के बारे में। आप कहोगे सर आप मोटिवेशन की बात बताते हो और आज फिल्म कांतारा के बारे में बात कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन हो सकती है। कभी कभी फिल्में भी आपको मोटिवेट कर सकती है अगर आप देखो तो। और इस कांतारा मूवी के बारे में अगर आप जानोगे तो आप सोचोगे कि यार व्हाट इज दिस और व्हाट इज द स्ट्रगल, आप समझोगे। फिल्म कांतारा में जिसने अभिनय किया ऋषभ शेट्टी, आज चारों तरफ उनका ही नाम चल रहा है, ऋषभ शेट्टी। कहते हैं ना कि जीवन में कुछ पाने की तमन्ना, कुछ करने का जज्बा होना तो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा जरूर, आप ऊंचाई पर पहुंचोगे जरूर। ऋषभ शेट्टी 18 साल तक संघर्ष किया, 18 ईयर्स स्ट्रगल में देखे, खूब डिफिकल्टी झेली, लेकिन अपना सपना मरने न दिया। ऋषभ शेट्टी बहुत ही एक सामान्य परिवार से आते हैं, साउथ के रहने वाले, और इन्होंने बचपन में सपना देखा था कि मुझे एक्टर बनना है। कॉलेज में पढ़ाई करते करते इनका परिवार इतना स्ट्रोंग नहीं था, अपना परिवार चलाने के लिए इन्होंने पानी की बोतलें बेची, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, होटल में वेटर का काम किया और साथ में अभिनय भी करते रहे, छोटे मोटे रोल करते रहे। इनको मन में जज्बा था, जोश था, जुनून था कि मैं एक दिन एक्टर बनूंगा। अपने सपने को किसी भी कंडीशन में मरने न दिया, चाहे वो होटल में काम कर रहे थे तो भी उनका सपना अपने दिल में था, चाहे वो पानी की बोतलें बेच रहे थे बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन, फिर भी उनका सपना उनके दिल में जिंदा था कि मुझे कुछ करके दिखाना, मुझे एक्टर। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में, आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, अपना सपना मरने ना देना, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहना, कोशिश करते रहना, आपका सपना आपको अवश्य मिलेगा। और यही हुआ ऋषभ शेट्टी के साथ में। इस मूवी में इन्होंने अभिनय भी किया है, इस मूवी की इन्होंने कहानी भी लिखी है और इस मूवी को इन्होंने डायरेक्ट भी किया। तीनों कार्य इन्होंने खुद ने किए। इनको पता था कि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर मेरे ऊपर दांव नहीं लगाएगा, मुझे हीरो के रूप में प्रोड्यूस नहीं करेगा, मुझे हीरो के रूप में रोल नहीं देगा। और बार बार इन्होंने प्रयास भी किया, कोशिश भी की, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। 18 साल तक संघर्ष करते रहे कि छोटे मोटे रोल करते रहे, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रोड्यूसर ने, किसी भी डायरेक्टर ने इनको हीरो का रोल नहीं दिया, इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। तो इन्होंने खुद ने कहानी लिखी, खुद ने एक्टिंग की और खुद ने डायरेक्टिंग की। और आज कांतारा मूवी हर किसी के नाम पर कांतारा मूवी है। महज सिर्फ 15 करोड़ में ये मूवी बनी और आज इस मूवी ने 300 करोड़ का बिजनेस कर दिया। और अभी हाल ही में राम सेतु आई दिवाली पर, थैंक्स गॉड आई, राम सेतु अक्षय कुमार, थैंक्स गॉड अजय देवगन की मूवी आई हिंदी बेल्ट में, फिर भी सबसे ज्यादा बिजनेस हिंदी बेल्ट में किया तो कांतारा ने किया। बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स राम सेतु के शो कैंसिल कर रहे हैं, थैंक्स गॉड के शो कैंसिल कर रहे हैं और कांतारा के शो चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक वह मूवी पसंद कर रही। जिस व्यक्ति ने 18 साल तक संघर्ष किया कुछ करने के लिए और आज उसका दिन आया है और आज उसने करके दिखाया है आप सबको, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में और किसी भी सिचुएशन में अपने सपने को मरने न देना। चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, चाहे आप वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन में हो, चाहे आपके साथ में कितना भी बुरा हो, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं अपने सपने को जिंदा रखना और उसके लिए प्रयास करते रहना, तो आपका सपना आपको जरूर पूरा होगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति जरूर पहुंचोगे। कांतारा मूवी के जो अभिनय करने वाले हीरो हैं ऋषभ शेट्टी, इनसे यही हमें सीखने को मिलता है कि संघर्ष और कितनी भी कठिनाइयां हो, लेकिन फिर भी किसी भी सूरत में अपने सपने को मरने ना देना और उसके लिए प्रयास करते रहना, आपका आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा।